हाइजेंस के द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों या प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इस टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इसके पहले के वीडियो में आपने चेक किया हुआ है कि इसी सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से आपने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो आज का हमको जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स बाई हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। विद्यार्थियों, आपने चूंकि देखा हुआ है कि अपवर्तन की प्रक्रिया होती क्या है। अपवर्तन की प्रक्रिया का सीधा मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण या कोई तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फिर मार्ग से विचलित हो जाता है। अपवर्तन के दो नियम आपने देखे हुए हैं, उसमें एक नियम जो है स्नेल का नियम के नाम से है और दूसरा नियम बहुत ही बेसिक नियम है। इन दो नियमों को आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो अपवर्तन के उन दोनों नियमों की व्याख्या हम लोग करेंगे हाइजेंस के द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। तो एक बार फिर से आप डायग्राम को चेक कर लें और देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स कैश जो शो किया गया है वो एक तल है जो कि दो माध्यमों को पृथक करता है। दिस इज अ प्लेन सरफेस दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है ना। ऊपर का माध्यम 1 के फॉर्म में दिखाया गया है, नीचे का माध्यम 2 के फॉर्म में दिखाया गया है। विद्यार्थी, आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तीव्रता और साथ में उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य, इन तीनों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। प्रकाश अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे है, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही माध्यमों में उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम चलेगी। तो अभी मैंने ये मान लिया कि जो पहले माध्यम प्रकाश की चाल V1 दिखा दी गई है और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल V2 मानी गई है, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज आप चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू हैव टू सेलेक्ट सच ए डिस्टेंस दैट इज वेरी ह्यूज, मतलब अनंत पर, अनंत पे मौजूद है कोई प्रकाश स्रोत, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट इज एस्टैब्लिश्ड एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज इन्फाइनाइट, ओके। जब इस अनंत पे रखे गए प्रकाश स्रोत से तरंगें चलती हैं तो उससे बनने वाला तरंगाग्र समतल होगा जो कि AB के फॉर्म में पहुंच रहा है। मतलब ये तरंगाग्र जो चलेगा AB के फॉर्म में समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB तरंगाग्र आपतित हो जाएगा, ठीक है। AB तरंगाग्र बिंदु A होगा उसके पहले एक्स एक्स के बीच में टकराएगा, ठीक है। अब यहाँ आप चेक कर लें कि इस बिंदु B को A रेस्ट तक पहुँचने में समय T लगता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यदि आपने कहा है कि बिंदु B को A रेस्ट तक पहुँचने में T समय लगता है तो यू कैन कैलकुलेट दिस प्रॉपर डिस्टेंस। आप इस दूरी को नाप सकते हैं। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, V1 मानी गई है और समय कितना माना है, T। तो यहाँ लिख सकते हैं V1 T। तो ये जो मैंने लिखा है ये दूरी हो जाएगा जो कि B के द्वारा A रेस्ट तक पहुँचने में आप शो कर सकते हैं कि दूरी तक की गई है। अब आप एंगल की बात कर लें क्योंकि यहाँ देखिए ये जो किरण है वो A पे टकराएगा। अभिलंब देखिए ये बना हुआ है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होगा वो I हो जाएगा, मतलब ये आपतन कोण, इसको हम कहेंगे आपतन कोण। बाकी ज्योमेट्री से ये एंगल भी आप I शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो इसको मैं बता भी देता हूँ कि अगर ये एंगल I आपने माना हुआ है तो आप चेक करेंगे कि ये जो एंगल बना हुआ है ये 90 का बनेगा, ओके। तो ये एंगल जो बचेगा 90 माइनस I हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस I है तो आप टेंजेंट की बात करें NA A' के फॉर्म में, ओके। त्रिभुज NA आप इसकी बात कर लें, पूरा 90 हो जाएगा समकोण। तो ये एंगल आपको अगर निकालना है तो 90 माइनस ये एंगल, इसको हल करने के लिए I बनता है, ठीक है। तो ये एंगल I हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो त्रिभुज AB A' आपको मिल चुका है, ठीक है ना। ये दूरी आपने निकाल ली है, इस एंगल को आपने I शो कर लिया है। अब आगे की कहानी क्या है, अब देखिए ये तो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है T समय में, ओके। और उतने ही समय T में अब ये पहुँचेगा आगे की ओर, ठीक है। और मैंने ये माना कि A को
जहाँ तक वो पहुँचने में लगा समय में टी है, ओके ये जो गैपिंग होगा दैट विल बी बी टू टी। सो कितना दिखाया गया है बी टू टी, क्योंकि ये जो गैपिंग होगा ये अलग होगा, ये जो गैपिंग है ये कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रकार की चाल B1 या अलग माने गए, यहाँ पे चाल इसकी अलग है। तो निश्चित तौर पर ये जो दोनों सेपरेशन है इनका जो वैल्यूज होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, ओके। तो ये आपने दिखा दिया B1T और यहाँ दिखा दिया है B2T। और एक और समझना कि ये जो एंगल आप दिखाएंगे ये R हो जाएगा, R का मतलब अपवर्तन कोण, ठीक है ना। और बाकी आप फिर से जब यूज करेंगे ज्योमेट्री तो यहाँ पे आपको R बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए आपतन कोण बन चुका है I, अपवर्तन कोण R आपने दिखा दिया है। तो बाकी मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है, चेक करें। आपने दिखाया कि बी को ए डैश पर पहुंचने में टी समय लगता है, तो ये जो दूरी होगा टी समय के लिए बी ए डैश दैट विल बी B1T, ओके। ऐसे आप यहाँ चले आएंगे, ए को इस पॉइंट तक पहुंचाना है, उसका तरीका होता है कि जो ए से बी डैश का जो डिस्टेंस होगा एक चाप बनाएंगे, यहाँ से चाप लगेगा और यहाँ से उस चाप की स्पर्शी कीजिए, स्पर्श करते हुए लाइन खींची जाएगी, ठीक है ना। तब इसको आप मान सकते हैं B', ठीक है। तो आपको ए B' को निकालना है, तो आप लिख सकते हैं टी टाइम के लिए कितना है ना, है यह है ए B' दैट विल बी B2T। तो आपने दोनों डिस्टेंस को शो कर दिया है, अब प्रूफ में क्या करना है वो समझाएं। दो ट्रायंगल विद्यार्थियों आपने देख लिया, एक ट्रायंगल ऊपर बना है एक ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, एक त्रिभुज ऊपर है एक त्रिभुज नीचे है। ऊपर जो ट्रायंगल है ए बी ए डैश के फॉर्म में और नीचे का जो ट्रायंगल है ए ए डैश बी डैश के फॉर्म में, ठीक है ना। इन दोनों का यूज करना है। तो देखिए ऊपर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ए डैश, ओके चेक करेंगे। ये एंगल आपने आई शो किया हुआ है आपतन कोण, इसके सामने की बजाय ये लंब हो जाएगा, ये इसके साथ की बजाय ये आधार हो जाएगी, और ये जो ए ए डैश के फॉर्म में कर्ण है जैसे हाइपोटेनियस, ओके। तो यहाँ पे आपको लगाना है साइन आई का इस्तेमाल कर लेना है। तो साइन आई आप निकालेंगे, और साइन जब तक लंबा टीका तो ये भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी ए डैश और नीचे आएगा ए डैश, ओके। इसको और चेक कर लें, बी ए डैश आपने निकाला हुआ है B1T के फॉर्म में और नीचे आपको शो करना है ए ए डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है सेकेंड इक्वेशन, जो कि यहाँ से बनाना है, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के फॉर्म में बना हुआ है। ये एंगल आपने दिखाया है आर्क पदों में, ये भुजा लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार, ओके। तो आपको यूज करना है साइन आर, साइन आर निकालेंगे तो लंब ये हो जाएगा ए बी डैश और कर्ण आपका हो जाएगा ए ए डैश। इसको आप हल करेंगे कि ए बी डैश हम निकाल चुके हैं B2T के पदों में, B2T और नीचे बनेगा ए ए डैश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके। 1-2 देखिए तैयार हो चुका है, अब आपको दोनों को कंपेयर कर लेना है, ए दोनों को भाग कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऊपर आएगा, इक्वेशन सेकेंड नीचे लाना है, ओके। और भाग करेंगे सीधा मतलब कि ऊपर साइन आई बनेगा और नीचे साइन आर बन गया। 1/2 देखिए नीचे दिखाया हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर, ओके। तो ये देखिए ऊपर बनेगा आपका B1T अपॉन ए ए डैश। देखिए नीचे B2T अपॉन ए डैश यहाँ से बन चुका है, ठीक है ना। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, TT भी कट जाएगा और फाइनली क्या बन गया, बनेगा साइन आई ऊपर साइन आर नीचे आएगा, ऊपर बनेगा B1 और नीचे बनेगा B2।
क्लियर। वी वन का मतलब है कि पहले मीडियम में प्रकाश उछाल, वी टू का मतलब है सेकंड मीडियम में प्रकाश उछाल, दोनों मीडियम अलग अलग हैं। आप मान सकते हैं कि वायु और नीचे कांच, ठीक है ना, इस संदर्भ में। लेकिन मैंने ऊपर के माध्यम को वन से दिखाया है, नीचे के माध्यम को टू से दिखाया है। इसको आप लिख सकते हैं एज ए कॉन्स्टेंट, ये एक नियतांक होगा, ये एक अचर होगा, ओके। और ये जो बता हुआ है ये वास्तव में स्नेल का नियम है, ओके। आप जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में अपन कोण खींचा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण खींचा का जो अनुपात होगा दैट विल बी ए कॉन्स्टेंट। और वी वन अपॉन वी टू एक्चुअली नियतांक है, क्योंकि पहले माध्यम में चार्ज होगी वो भी आप फिक्स वैल्यू होगी, सेकेंड मीडियम में चार्ज होगी वो भी एक नियत मान होगी, और नियत मान ऊपर नियत मान नीचे भाग करेंगे तो वो भी नियत मान बनेगा, वो भी एक स्थिरांक या नियतांक प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये जो आपका इससे बना हुआ है ये आपका स्नैल का नियम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू एंड दैट विल बी डेफिनेटली कॉन्स्टेंट, एक नियतांक हो जाएगा। और ये वास्तव में स्नैल का नियम या आप कह सकते हैं कि अपवर्तन का द्वितीय नियम प्राप्त हो जाएगा। और डायग्राम से देखिए स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन चीजें हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब नॉर्मल, ओके। तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही तल में है, तो क्या लिखा हुआ इसको चेक कर लेंगे। और ये वास्तव में अपवर्तन का प्रथम नियम है। तो विद्यार्थी ये दोनों नियम कोई नया नियम नहीं है, लेकिन इनका जो निगमन है वो हाइजेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर चूंकि प्राप्त किया गया है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि हाइजेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपने अपवर्तन की सफल व्याख्या कर ली है, ओके। तो ये आपका द्वितीय नियम प्रथम नियम चेक कर लेना है, ओके। तो विद्यार्थियों आपने देख लिया है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हाइजेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर। अब हमें ये चेक करना है कि हाइजेंस का यह द्वितीय तरीकाओं का सिद्धांत कितना सफल रहा है आपके भौतिक विज्ञान के इतिहास में। तो वास्तव में हाइजेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं माना गया है। और आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के द्वारा छाया का बनना, इन सबकी व्याख्या तो हो जाती है, लेकिन जो मेन और जो प्रॉपर्टी थी उनकी सफल व्याख्या नहीं पाती है। मसलन प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, इनकी व्याख्या नहीं सकती है। हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। ऐसा क्यों किया? वास्तव में उस समय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगों की तरफ फोकस किया हुआ था, और मैकेनिकल वेव के लिए उनको चलने के लिए मीडियम का होना आवश्यक है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाइगेंस साहब ने भी अपने इस सिद्धांत में एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर, जिसका घनत्व काफ़ी कम होता है, उसकी कल्पना रखी थी, जो कि गलत है। उस समय जो वैज्ञानिक थे माइकलसन मोडले, उनके हिसाब से ये जो परिकल्पना थी ईथर की वो बिल्कुल ही बेबुनियाद थी। हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के पॉइंट्स को अगर हम लोग स्वीकार करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो वेव जो प्रकाश का जो नेचर होता है वो अनुदैर्ध्य है। तरंगे देखिए दो प्रकार की हैं, एक है अनुदैर्ध्य और एक है अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा वो ये बताते हैं कि प्रकाश का जो नेचर है वो अनुदैर्ध्य है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है। क्योंकि अगर आप प्रकाश को अनुदैर्ध्य मानते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ध्रुवण, ध्रुवण की व्याख्या आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुवण एक ऐसी घटना है प्रकाश की जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसमें जो तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे वो अनुप्रस्थ होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव इज डिक्लेयर्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ओके। और कुछ ऐसे देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हाइजेंस के तरंग के सिद्धांत को पूर्ण से स्वीकार नहीं किया गया था। मैं एक बार फिर आपको एक बार पूरा प्रूफ समझा देता हूँ। डायग्राम पे फोकस करना है, अनंत प्रकाश स्रोत आपको दिखा देना है, इससे जब तरंगें बनेंगी तो वो समतल बनेंगी एवी के फॉर्म में, ठीक है ना, जो फॉर्म बनेगा एवी के फॉर्म में। ये आपका जो है
एक अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा, मतलब सीधा है कि जब यहाँ से तरंगी चलेगी, जब ये तरंगी देखी जा रही है पानी से, प्राथमिक तरंगाएं हैं, और जैसे ही ये तरंगाएं यहाँ पहुँचती हैं, ये तो देखिए यहाँ से जब प्राथमिक तरंगाएं पहुँचती हैं तो इस पॉइंट पे पहुँचने का मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको हाइगेंस का द्वितीय तरंगों का सिद्धांत लगाना है। ये जो पॉइंट होंगे द्वितीय तरंगाओं के सोर्स बन जाते हैं और यहाँ से वो तरंगाएं फिर आगे बढ़ती हैं। आपको ये ध्यान रखना है जितने समय टी में बी वन बी पहुँचेगा ए डैश तक, बी वन टी दूरी तय करेगा, उतने समय टी में ए पहुँचेगा बी डैश तक, दोनों का टाइमिंग सेम है, ध्यान देंगे इन दोनों की टाइमिंग सेम है पहुँचने की, लेकिन इन दोनों का जो डिस्टेंस है अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे बी वन बी टू जो चाल दिखाई गई दोनों अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ पे वाई कांच मानते हैं तो बी वन का मान बी टू से ज़्यादा ही होगा। ओके अब देखिए यहाँ से तो यहाँ ट्रैफिक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से क्या होना है कि यहाँ से एक्चुअली बी टू की आप चाप लगाते हैं, आठ लगाएंगे और फिर यहाँ से इस चाप की स्पर्श को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ए बी डैश बनेगा ये वास्तव में अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा, सॉरी ये जो ये आपका ए डैश बी डैश हो गया ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा, और ये जो बनेगा ये कैसा आपतित तरंगाग्र, ये बन जाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। एंगल पे फोकस कर लेंगे, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर, ज्योमेट्री आई आर अंदर दिखा देना है। उसके बाद आपको दो ट्रायंगल्स यूज कर लेना है, ये ट्रायंगल ऊपर का राइट एंगल ट्रायंगल सम कोण के फॉर्म में, नीचे का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है ना। साइन आई लगाना है लपटे कर्ण के फॉर्म में, साइन आर लगाना है लपटे कर्ण के फॉर्म में, दोनों को भाग कर लेना है। ये कटेगा पी टी कट जाएगा, ऊपर बी वन नीचे बी टू, निश्चित तौर पर ये जो मान कर रहा है ये दैट विल बी कॉन्स्टेंट, ये एक नितांक होगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के जो निकल रहा है ये स्नैल का नियम, या आप कह सकते हैं कि अपवर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन चेक हियर। और डायग्राम से देखिए आप बता सकते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिनव तेजी के तल में है, ये आपका प्रथम नियम जो कि अपवर्तन का है वो आप बोल सकते हैं। कमियाँ मैंने आपको बता दी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, व्यतिकिरण, विवर्तन, ध्रुवण, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके स्पष्टीकरण में हाइजन साहब खेल गए, वो सफल नहीं हो पाए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि न्यूटन का कण का सिद्धांत और हाइजन का तरंग सिद्धांत दोनों असफल हुए हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में आपने प्रकाश को स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो किया हुआ है, वैद्य चुंबकीय तरंगे। प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आया हुआ है जिसमें आपने प्रकाश को फोटॉन के फॉर्म में माना हुआ है। तो तमाम नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिनकी वजह से कण का सिद्धांत न्यूटन का और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो आप इस प्रूफ को चेक कर लें, अक्सर बोर्ड में जो है अपवर्तन परावर्तन किसी एक की व्याख्या करने को आती है। ओके एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।